के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो पासिंग ईयर को चेंज करवाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो कैसे करवा सकते हैं इस वीडियो में देखेंगे। पासिंग ईयर चेंज करने के लिए आपको एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है और सर्च बार में आपको NIOS टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद ये सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप स्टूडेंट लॉगिन करना जानते हो तो वीडियो को आप स्किप कर देना थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे हम लॉगिन बाय रेफरेंस नंबर और रोल नंबर पर क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना रोल नंबर डालना है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको ये कैप्चा दिखेगा, इस कैप्चा को डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके ये ई सर्विस वाले बॉक्स में आना है। यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा अप्लाई का, इस पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अदर डिटेल्स चेंज का। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है सबसे लास्ट में, देखोगे पासिंग ईयर चेंज, ठीक है। तो आपको पास इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आप देखोगे ई सर्विस टाइप में एक्स पासिंग ईयर चेंज पहले से सिलेक्ट है। यहाँ पे आपका प्रीवियस डिटेल में आपका ईयर सिलेक्ट होगा, न्यू डिटेल में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपने एक्चुअली में कब आपने जो टेंथ या ट्वेल्थ क्लास क्लियर किया है NIOS से, तो ये यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। डॉक्यूमेंट में आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, स्टूडेंट ID कार्ड आप अपलोड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, या आप मार्कशीट है आपके पास तो मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। एक बार रिक्वेस्ट डाल देना। रिक्वेस्ट डालने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप मार्कशीट या स्टूडेंट आईडी कार्ड अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए ब्राउज पर क्लिक करना है, फिर आपको फाइल पर क्लिक करना है, जहाँ भी आपने फ़ोटो खींच के रख रखा है वहाँ से इसे अपलोड करेंगे। अपलोड करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये PDF में लेगा नहीं, ठीक है। आपका फॉर्मेट जो है JPG होना चाहिए, JPEG, PNG होना चाहिए, GIF होना चाहिए, यानी कि आप फ़ोटो खींच देना और MB लिमिट जो है आपका 1 MB है, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेमेंट करेंगे, पे नाउ पर क्लिक करेंगे और ये आपके पेमेंट के मेथड आपके सामने लेके आएगा। यहाँ पे आपको एक मेथड को सिलेक्ट कर लेना है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए पहला ऑप्शन, तीसरा नेट बैंकिंग के लिए, चौथा अगर भीम पे है, UPI है और फ़ोनपे है, गूगल पे है, Paytm, इन सब के लिए। यहाँ पे हमने नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लिया है, बैंक अपना सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपके बैंक के वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको अमाउंट बता देगा कि कितना कटना है। कंफर्म पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जो भी आपने बैंक में दे रखा है उस OTP को यहाँ पर इस कॉलम में फिल कर देना है। OTP का थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, ये OTP आ गया है, इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। पेमेंट करने के बाद आपको एक काम करना है कि इसकी फ़ीस रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि वेट करना है 7 to 20 days का। ऐसा करता हूँ आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अपडेट के लिए।